दोस्तों रेडमी के या फिर शाओमी के जो फ़ोन हैं इनमें जब से अपडेट आया है तब से इनका जो डाटा यूजेस है जो नोटिफिकेशन में दिखा रहा था वो नहीं दिखा रहा है। तो कुछ ऐसी सेटिंग है कि जो सेटिंग यहाँ से हाइड हो चुकी है या फिर अपडेट के बाद वो अपने आप बंद हो चुकी है। मेरे पास एक रेडमी का पुराना फ़ोन है जिसमें अपडेट नहीं आया है दोस्तों। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो टुडे का जो डाटा है कितना यूजेस किया है और दिस मंथ में कितना किया है, मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है। लेकिन जो अपडेट वाले फ़ोन है मतलब नए वाले जो फ़ोन है जिनको अपडेट मिल रहे हैं उनमें यहाँ पर कहीं पर भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। और आप सेटिंग में भी जाकर यहाँ पे डाटा यूजेस सेटिंग जो है ठीक है इसको भी आप सर्च करोगे ना, लेकिन आप यहाँ पे उसको नहीं एनेबल कर पा रहे होगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो सेटिंग दिखाऊंगा कि वो सेटिंग कहाँ पे है जिससे हम हमारे नोटिफिकेशन में डेली डाटा यूजेस और मंथली डाटा यूजेस शो कर सकें, जिससे हमें पता चल सके कि हमने कितना डाटा यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये है कि आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है सिक्योरिटी। ठीक है, आप सिक्योरिटी इस प्रकार से सर्च करोगे, ओके। और सिक्योरिटी में कुछ इस प्रकार से ये फर्स्ट वाला ऑप्शन दोस्तों आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी में दोस्तों यहाँ पे डाटा यूजेस नाम का एक ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे डाटा यूजेस नोटिफिकेशन जो है जो बंद रहता है, जो बंद रहने से आपको दोस्तों यहाँ पे डाटा यूजेस जो है वो नहीं, उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो अब हम सेटिंग में जाएंगे, आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे कर्सर दिख रहा होगा आपको डेली डाटा यूजेस जो है वो आपको मिलेगा, और दिस मंथ मतलब इस महीने में कितना डाटा यूजेस हुआ है वो भी सेटिंग आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने किसी भी रेडमी फ़ोन में, मेरे पास ये रेडमी नोट 10 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 में ही ये सेटिंग मिलेगी। आपको खाली सेटिंग में जाना है, सेटिंग में सर्च करना है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में डाटा यूजेस जो है इसको आपको इसका जो टिक है इसको एनेबल करना है, तभी आपके नोटिफिकेशन में डाटा यूजेस नोटिफिकेशन दोस्तों मिलने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार के और टेक्निकल के ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।